गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 19th ऑफ अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम यहाँ कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल्स से दिए गए होंगे। साथ ही में जो भी डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम करेंगे अलग से, ताकि यूपीएससी के लिए हमारा जो भी रेलिवेंट आर्टिकल या जो भी रेलिवेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर है, वो कुछ भी हमसे ना छूटे। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के अंदर बेहतरी के साथ में सभी पैमानों पर नज़र डाल के इन आर्टिकल्स को कवर करें। और चलिए करते हैं आज के पहले आर्टिकल से इसकी शुरुआत। पहला आर्टिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात कर रहा है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट। अब इंपॉर्टेंट कैसे है, यूपीएससी की बात करें तो दो पहलू में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में। प्रीलिम्स के अंदर पहले देख लेते हैं, तो प्रीलिम्स में आते हैं एनवायरमेंट से 15 से 20 सवाल। अब इतने सवाल आने का मतलब सीधा सीधा हो गया कि आपको 30 से 40 नंबर प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट से ही मिल सकते हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी इसकी करें तो। इतने सवाल क्यों आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस है उसका प्लस हमारा जो सिविल सर्विसेज होता है उसका प्रीलिम्स एक ही में होता है। हालांकि इनके मेंस जो होंगे वो अलग से कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन इसी वजह से एनवायरमेंट की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्वता है। और क्योंकि यहाँ पर हम बात करें एक स्पेशल स्पीशीज़ के बारे में, तो ये एक स्पीशीज़ जो है ऐसे इस स्पीशी के ऊपर भी और ऐसे ही स्पीशीज़ के ऊपर भी पहले भी प्रीलिम्स में बहुत सवाल आ चुके हैं, तो इसी वजह से हम थोड़ा इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे। दूसरा, हम बात करते हैं अब मेंस के प्रस्पेक्टिव से, तो मेंस में यहाँ पर जो प्रीलिम्स में सवाल आते हैं या मार्क्स आते हैं 40 नंबर तक, मेंस में वो थोड़े कम आते हैं, 25 से 30 या 35 नंबर तक के यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। और पूछे क्यों जाते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर हम देख पाते हैं एनवायरमेंट से सवाल आते हैं। अब जीएस पेपर 3 में सिर्फ एनवायरमेंट नहीं है, इकोनॉमी होता है, हम देख पाते हैं यहाँ पर एनवायरमेंट को, हम देख पाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जीएस पेपर 3 के अंदर ही हम देख पाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को, साथ में यहाँ पर पूछा जाता है अगेन एग्रीकल्चर। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो 5-6 सब्जेक्ट हैं, और क्योंकि सवाल यहाँ पर टोटल 20 ही आते हैं, तो उसमें से हम देखते हैं एनवायरमेंट 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, अब हम समझते हैं कि आर्टिकल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा गहनता से भी समझना होगा, क्योंकि ये ऐसा कैसा एक सवाल पूछा जा सकता है मेंस में। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई चीज़ जुड़ेगी तो वो कितनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, सोच कर देखिए। जीएस पेपर 2 के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर बात हो किस चीज़ की रही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट की बात हो रही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है, जिसमें हम देख पाते हैं, अभी जजमेंट एक्चुअली में आया नहीं है, पूरा वर्डिक्ट निकल कर आई है सिर्फ, जिसमें हमें समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है और उसके जो यहाँ पर बुरे परिणाम आ रहे हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं लोगों पर, उससे बचाव करने का लोगों का फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है लोगों का। और ये मौलिक अधिकार देता कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान देता है। इनको लागू कौन करेगा, इनको लागू करने का काम होता है यहाँ पर गवर्नमेंट का, इनकी सुरक्षा करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट्स का या जुडिशरी का। तो ये होता है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का सिस्टम। अभी मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको स्टैटिक पोर्शन से एक बार बता देती हूँ कि फंडामेंटल राइट क्या है, क्यों है, कितने ज़रूरी है, ताकि हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए आगे आर्टिकल के साथ इसको कोरिलेट कर पाए। फंडामेंटल बात राइट्स की बात करूं तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि फंडामेंटल राइट एक्चुअली में है क्या। देखिए फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार, यानी कि वो अधिकार जो फंडामेंटल है, बिल्कुल नींव है, चाहे वो मटेरियल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो या इंटेलेक्चुअल हो, उन सभी डेवलपमेंट में अगर हमें वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारी मदद करते हैं एज अ ह्यूमन स्पीसी के रूप में, तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग फंडामेंटल राइट होते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे पास है टोटल 7, और ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के पार्ट 3 के अंदर। अब संविधान हमें हमारा पता है 25 भागों में बटा हुआ, और उसमें से जो भाग 3 है उसमें हम केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को देख पाते हैं। इनकी आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही में इसको लिया कहाँ से गया था, अगर ये भी मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बताऊँ तो फंडामेंटल राइट जो कि इंडिया में आते हैं वो आते हैं यूएस से। तो यूएस के अंदर ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है जिसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है।
हमने इसका नाम रखा यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, हालांकि हमें जो इंस्पिरेशन मिली थी वो मिली थी यूएसए से। ऐसा ही जैसे कि डीपीएसपी डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी हम देख पाते हैं कि ऐसे ही अलग अलग जगह से यहाँ पर देख रहे थे। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया 76 अमेंडमेंट के द्वारा, इंदिरा गांधी उस समय पे थी, और वो ली थी हमने यहाँ पर किससे, रशिया से। अब इनको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी होती है जो माननी होती है सिटीजन्स को, और फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको मानना होता है गवर्नमेंट को, यानी वो उनसे बाहर चल के कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती है, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ ज़्यादा छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट को यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रख दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वो भी कब रखा गया था हम देखते हैं, 14 अप्रैल 1976 में ही। तो ये था इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, आपका बैकग्राउंड। और अब हम आगे बढ़ के देखना चाहते हैं कि आर्टिकल हमें क्या बोल रहा है। आर्टिकल हमें बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो यहाँ पर आर्टिकल के अंदर जिसके अंदर रखा गया है, वो रखा गया है आर्टिकल 21 के अंदर। मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे सारे फंडामेंटल आते हैं, राइट्स आते हैं। 12 में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन होती है और शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से 18 तक पहले राइट की, पहले अधिकार की, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। दूसरे अधिकार की अगर बात करूँ तो ये होता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। 19 से 22 तक क्या होता है, राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम का, आज़ादी का जो अधिकार है वो मिलता है आपको 19 से 22 तक। अब ये 22 तक क्यों बात करें, क्योंकि देखिए जैसे आर्टिकल 19 का मतलब होता है कि आपको जो स्पीच है, एक्सप्रेशन है, इकट्ठा होना, एसोसिएशन करना, ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 20 बोलता है कि कोई भी अगर कौन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपसे कोई अपने आप अपने मुंह से नहीं बताएंगे बोल के कि मैंने ये इल्ज़ाम किया है, यानी कि उसको मान्य नहीं होगा, आपको सबसे पहले जज के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। फिर इसी में आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी दी जाती है आर्टिकल 21 की। आप सभी को यहाँ पर क्या है, जीने का अधिकार है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कि सब यहाँ पर कम से कम एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ाई करेंगे, आर्टिकल 21 भाग ए पार्ट 1 उसके अंदर हम देख पाते हैं। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन मिलती है आर्टिकल 22 में कुछ केसेस के अंदर। हम देखते हैं आर्टिकल 23 से यहाँ पर आर्टिकल 24 तक जो आर्टिकल है, दो ही आर्टिकल हैं ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, ये होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, यानी किसी के भी यहाँ पर शोषण ना हो। किसी का भी अगर शोषण किया जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने मानव अधिकार या फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के तहत डायरेक्टली आर्टिकल 35 के यहाँ पर लगाते हुए, जो कि खुद में एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली तो नहीं पहुँचा जा सकता, आपने कभी अगर किसी के ऊपर केस किया है या आपने पढ़ा है तो हमें समझ में आता है कि जुडिशरी जो है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के यहाँ पर हम देख पाते हैं ऊपर नीचे होते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे होते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे होते हैं सेशन कोर्ट, सेशन में हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी देख पाएंगे, और लास्ट में हम देख पाते हैं जो तालुकाज वगैरह होती हैं। तो आपको अगर कोई भी करना है तो आप सबसे कम जो केस कर पाएंगे वो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर पाएंगे। उसके बाद अगर वहाँ से कोई आपको जजमेंट आती है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप दोबारा से अपील कर पाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी आपको संतुष्टि नहीं मिली तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो आपके केस को लेगा या अपने अंदर एडमिट नहीं करेगा। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई मौलिक अधिकार को तोड़ रहा है ना तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाइएगा, आप डायरेक्ट आ सकते हो सुप्रीम कोर्ट। जाने को तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, दोनों को ही परमिशन है, लेकिन हाई कोर्ट में भी अगर आपको लगता है कि जाने से फ़ायदा नहीं होगा या आपका मन नहीं है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की अथॉरिटी है कि आपका आज फंडामेंटल राइट टूटा है, आप जाइए कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाइए सुबह सुबह। तो ये इतनी बड़ी पावर है जो फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर मिली हुई है। और कौन सा राइट ये देता है हम देखते हैं आर्टिकल 32, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ पर दी जाती है, जिसके तहत हम देखते हैं फंडामेंटल रिट्स को, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड कुओ वारंटो, ये सारे रिट्स हैं जिसके तहत आप बता सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट पे क्या क्या यहाँ पर
आ रहा है। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो यहाँ पर सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो एलियन से मेरा मतलब यहाँ पर किसी अलग ग्रह के प्राणियों से नहीं है, एलियन से यहाँ पर मतलब होता है जो भी इंडिया के सिटीजन नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, कहीं और के हैं और हमने उनको ज़्यादा अच्छे से नहीं देखा है, तो फॉरनर्स, हम उनको जानते नहीं हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एलियन है, तो उनको फॉरनर या एलियन बोला जाता है। और कुछ उनको मिलते हैं, तो हम देखते हैं सिटीजन्स को जो दिए जाते हैं उसमें आता है आर्टिकल 15, यानी कि आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आपकी रेस कोई भी हो, चाहे आपका धर्म कोई भी हो। फिर यहाँ पर जो दूसरा एक्ट मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 16, यानी कि आपका जो इक्वालिटी होगी, आपको जो भी काम दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उसमें आप लोगों के सामने यहाँ पर समानता रखी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 19 को, जो अगेन हमें समझ में आता है कि यहाँ पर आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम की, जो आप स्पीच दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अपने आप को सामने रख सकते हो। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 29 जो है वो केवल केवल हमारे इंडिया के नागरिकों को मिला हुआ है, जिसका मतलब होता है कि आपको प्रोटेक्शन होती है, आप क्या भाषा बोलते हो, आपका क्या कल्चर है, अगर आप माइनॉरिटी हो तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है। और एट द एंड इसमें आता है आर्टिकल 30, जिसका मतलब होता है कि आपको या जो भी माइनॉरिटी है वो अपने खुद के एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको यहाँ पर बना सकती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से राइट हैं जो एलियंस को या फॉरनर्स को भी मिलते हैं, इसमें कौन कौन सा राइट आता है। सबसे पहले जो यहाँ पर राइट आएगा वो आएगा आर्टिकल 14, जिसके तहत इक्वालिटी बिफोर लॉ जरूर किया जाएगा, कानून के सामने सब यहाँ पर बराबर होंगे, तो अगर उनके साथ भी कोई दुर्घटना हुई है तो उनके साथ भी यहाँ पर क्या होगा, कानून उनको बिल्कुल बराबरी से रखेगा। फिर आता है आर्टिकल 20, जिसके अंदर हम देख पाते हैं कि कैसे आर्टिकल 20 के तहत उनको अगर कोई पकड़ लेता है तो उसके सामने भी उनको क्या करना पड़ेगा, जज के सामने उनको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, तो कन्वेंशन उनको मिल जाती है। और आर्टिकल 28, जिसके तहत हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर फ्रीडम उनको होती है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो जाकर पढ़ सकते हैं या कोई भी रिलीजियस जगह है उसके ऊपर वो लोग भी जा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ फंडामेंटल राइट्स थे। प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, पता है मुझे, 2 मिनट के अंदर आप लोगों का एक एक्स्ट्रा रिविजन हो जाता है। खैर, अब आते हैं मेंस के हिसाब से, क्योंकि अब ये जो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं ये ज़्यादातर मेंस में है, और मेंस में है तो इसी वजह से मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट से भी यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, करंट के अंदर है। हो सकता है आपको इसी आर्टिकल का, इसी वर्डिक्ट का रेफरेंस दे, और रेफरेंस दे के इसको जीएस पेपर 2 में ना पूछ कर जीएस पेपर 3 में पूछ लें। खैर, अभी हम समझते हैं कि बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, जजमेंट जो दिया गया है वो दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के ऊपर। ये जो केस किया गया था, ये किया गया था कुछ इंडिविजुअल एक्टिविस्ट के द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि इंडिया के एक जगह पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आप एक पक्षी इसको जो देख रहे हैं, ये पाया जाता है राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों ही जगह पे, ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में कम पाया जाता है। और राजस्थान का ये स्टेट एनिमल भी है, इसका जो स्टेटस है IUCN के अंदर उसको हम देख पाते हैं कि वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि ये लोग ख़त्म भी हो सकते हैं। इनको बचा कर रखना, इनको संभाल कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और IUEN क्या होता है? IUEN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट नेचर कंजर्वेशन। तो इसके अंदर जब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इसको स्टेटस दिया गया है, तो इसका बचाव करना कितना ज़रूरी है, और यहाँ पर इसको नुकसान हो रहा था कुछ राजस्थान के अंदर, क्योंकि ड्राई एरिया है तो सोलर पावर जो है वो ज़्यादा अच्छे से बन पाती है, विंड पावर जो है एनर्जी उसको बनाया जाता है। और जब इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी के तार, यानी कि जो केबल होती है, उसको लगाया गया, तो हम देख पाएंगे कि इस वायर से यहाँ पर टकरा कर काफ़ी सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ होने लगी। इनके सर के ऊपर एक्चुअली इनकी जो आई होती है वो यहाँ पर सिर्फ 160 डिग्री तक ही काम कर पाती है, ये इनके सर के ऊपर क्या है उसको नहीं देख पाते, अगर गर्दन को पीछे करके ना देखना चाहे तो। और इसी वजह से ये क्या करते हैं कि जो यहाँ पर वायर्स होते हैं उनसे टकरा जाते हैं, और ये काफ़ी भारी होते हैं, आपको लगेगा एक पंछी तो है,
लेकिन ये 17 से 18 kg के वेट इनके अंदर होता है। तो इसी वजह से जब टकराते हैं तो इनकी डेथ होती है। जब ये डेथ लगातार होती ही रही तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक्टिविस्ट सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बताते हैं कि ये जो सोलर पावर के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वायर्स का, इनको रोक दीजिए, क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी की एक स्पेशल स्पीशी का यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, जान जा रही है और हो सकता है कि ये आगे आने वाले समय के साथ एक्सटिंक्ट भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाता है। फैसला सुना के जब पहली बार ये बात की तो वो कहते हैं कि जितनी भी ये तारे हैं, लगभग 94,000 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो ये थी, हम देख पाते हैं कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इसको क्या किया जाए, स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया को यहाँ पर अंडरग्राउंड कर दिया जाए, पावर लाइंस का जो भी एरिया है इसको अंडरग्राउंड कीजिए, इतने एरिया में ये लोग पाए भी जाते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि पूरे एक ही जगह पे हैं। मिनिस्ट्री के पास जब ये बात पहुंचती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास में, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा करना लगभग इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल है, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होगा और दूसरी बात, इसमें करने के लिए यहाँ पर अलग तरीके के प्रोसेस लगेंगे, ज़मीन में दबाने के बाद भी उसमें से जो उसका खर्च होगा और उसके ऊपर जो तैयारी रखनी होगी, उनका जो ध्यान रखना होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान होगा। उसके बाद में ये जो वर्डिक्ट हो जाती है, ये हो जाती है क्लाइमेट चेंज वर्सेस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बीच में। अब इसको आप एक डिबेट की तरह भी ले सकते हैं। कैसे होगी डिबेट, कि या तो हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इंडिया खुद में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यहाँ पर होती है, जो कि 26th हुई थी ग्लासगो के अंदर, उसमें अपनी जुबान दे चुका है कि हम लोग 2050 तक क्या करेंगे, हमारा जो एमिशन है उसको 35% तक घटा देंगे। और किसका एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO2 के एमिशन को यहाँ पर घटाना है 2070 तक, उसको नेट जीरो लेकर आना है। तो उसको पूरा करने के लिए ये तो हमें करना ही पड़ेगा, और जब CO2 कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट है, खराब जो यहाँ पर प्रभाव है, वो भी कम हो जाएंगे। तो ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक केस बन जाता है कि या तो बचा लो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, या फिर बचा लो क्लाइमेट चेंज को होने से। और क्लाइमेट चेंज होने से क्योंकि यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडियन ग्रेट बस्टर्ड पे ही नुकसान नहीं होगा, रेदर देन जो भी ह्यूमंस हैं, अदर स्पीशीज़ हैं, सबको उसका झेलना पड़ेगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई है कि कैसे हम इनको सेव कर सकते हैं और कैसे जो वायर्स और जो सोलर पावर से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स उनको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी ही हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान है वो ज़्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक ज़्यादा बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। तो यही यहाँ पर ऑथर का डिलेमा था, वो दिखाती हैं कि क्या इसके अंदर कोई एडवांटेज नहीं हो सकते, क्या हम इनको वैसे नहीं बचा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ने से पहले एक अल्टरनेटिव अप्रोच जरूर लेकर आई जा सकती है, जिसके अंदर जस्ट ट्रांजिशन किया जा सकता है कि धीरे धीरे यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है सोलर पावर के लिए, उसको एकदम से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड उसके अंदर लेके आए, ताकि जो वायरें हैं, मान लीजिए उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बर्ड्स का यहाँ पर क्या लगा दो, मीटर लगा दो। ये क्या करते थे, बर्ड्स को दूर से दिखाई दे देते थे और इसी वजह से बर्ड्स इसके आसपास नहीं आते हैं। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं, और इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी का भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं बोला जा सकता है कि हम लोग यहाँ पर पर्यावरण या बायोडायवर्सिटी को पीछे छोड़ दें और सिर्फ ह्यूमंस का जो लालच की चीज़ है उसको ध्यान में रखें, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान में रखें, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको एक पॉजिटिव आंसर के साथ में इसको ख़त्म करना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ में, जो कि यहाँ पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मेरे साथ में जुड़ना चाहता है तो मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी एक चैनल है और वहाँ पर जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर टेलीग्राम पर आप UPSC स्प्रिंट नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहीं पर ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स जो है इस वीडियो के उसमें भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब इसमें जुड़ने का क्या फ़ायदा होगा, पहली बात तो जो भी आर्टिकल हम यहाँ डेली डिस्कस करते हैं उनके आपको प्रीलिम्स के लिए इसमें नोट्स मिल जाएंगे छोटे छोटे करके, तो आप वहाँ से उनको रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा जो भी
रिलेवेंट क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी आज आपको क्या पढ़ाया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ाया है, तो इसी से रिलेवेंट जो प्रीलिम्स के सालों में यहाँ पर सवाल आया है तो वो मैं आप लोगों को वहाँ पर दे देती हूँ, ताकि आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सके और क्या आप लोग उससे ठीक जो है वो जवाब दे पाते या नहीं पाते। तो क्विज़ की फॉर्म में ये मिलता है, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं खुद से, और मेंस में जो सवाल पहले पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड, उसका भी आंसर आपको मेरी हैंडराइटिंग के अंदर यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही में जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका भी PDF वर्जन आपको मिल जाएगा, जो भी फोटो इमेजेस अभी आपको सामने दिखाई दे रही है वो सब उसमें दिख जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंडियाज़ हीट एक्शन प्लान्स। आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन ये आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे GS पेपर 3 के अंदर। प्रीलिम्स में इसमें से कुछ कुछ नोट्स बिल्कुल आ सकते हैं, छोटे छोटे, वो मैं आपको बनाकर बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिकेशन जो है इसकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है GS पेपर 3 में। और GS पेपर 3 के अंदर भी ये एक तो एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से ही हीट वेव्स आ रही हैं यहाँ पर और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, कि अब इसको मैनेज कैसे किया जाए समय पर जब ये आता रहता है इस तरीके से, इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इस पर एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं, इसी में एक प्लान का इस्तेमाल किया जाता है, वो प्लान क्या है चलिए समझते हैं। शुरुआत हम करते हैं कि अभी जो समर हो रही है इसी के अंदर IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा चेतावनी बार बार दी जा रही है अलग अलग इंडिया के भागों के अंदर, और ये चेतावनियां हैं हीट वेव्स की। हीट वेव्स को आप लू के साथ में कंपेयर कर सकते हो, और ये चेतावनी इतनी ज़्यादा है कि ये फरवरी के इस साल के फरवरी महीने से ही तो कुछ कुछ जगहों पर ये शुरुआत भी इसकी देखी जा चुकी थी, खास करके जो ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया है उसमें ये अभी ज़्यादा जो नज़दीकी टेम्परेचर होने वाला है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है कि यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम डिसेंट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा बढ़ता है ना ही ज़्यादा कम होता है। समझते हैं कि हीट वेव्स क्या है, क्यों यहाँ पर जो IMD है वो बार बार क्या कर रही है, आपको बता रही है, आपको नोटिफाई कर रही है, ऐसी क्या यहाँ पर हो सकता है हीट वेव्स के साथ में। तो IMD के द्वारा बताने से हमें समझ में आता है कि हीट वेव्स का मतलब होता है जब टेम्परेचर 7 दिनों तक लगातार कुछ रेंज से ऊपर रहे, जैसे कि अंदर इसके अंदर रेंज दी गई है प्लेन एरिया के लिए, जैसे कि गंगा का प्लेन है या जो भी यहाँ पर नदन इंडिया के अंदर में भी रहते हैं, तो हम देख पाएंगे उत्तराखंड का यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है, हरियाणा, पंजाब, UP और मध्य प्रदेश का ऊपर का कुछ भाग, तो ये सारी स्टेट में हम इसको प्लेन बोलते हैं। इसमें अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर जाता है, और 40 में भी जाने के बाद में इसकी भी सीवियरिटी है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में, लेकिन अगर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया तो वो हीट वेव्स आ जाएंगी। फिर हम बात करते हैं कोस्टल एरिया की। कोस्टल एरिया यानी कि जो तटीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर कोस्ट होते हैं समुद्र के, वहाँ पर अगर वातावरण जो है वो 37 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो वहाँ पर हीट वेव्स मान ली जाती हैं। और हिल्स जो कि यहाँ पर पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर अगर टेम्परेचर यहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हीट वेव्स का दर्जा दे दिया जाता है। अब इनके अकॉर्डिंगली कि ये कैसी होती हैं, ये ठीक है ऐसे, ज़्यादा भयानक हीट वेव्स नहीं है, भयानक है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो उसको भी हम इसके मैग्नीट्यूड से देख लेते हैं। तो सीवियरिटी के हिसाब से ये भी दो भागों में बटी हुई है। पहले को बोला जाता है एक्यूट, की ज़्यादा नहीं है ठीक हो जाएगी, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री से जब बढ़ जाता है तो वो माना जाता है। और दूसरी हम देखते हैं यहाँ पर प्लान के एरिया में सीवियर के नाम से कि बहुत ही ख़राब हो गए हैं हालात, वो होती है 47 डिग्री के पार जाने से। अब इनको टैकल कैसे किया जा रहा है ये भी सवाल पूछता है, क्योंकि आपसे अगर मेंस में सवाल पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि ये जो कोई स्पेशल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है क्या इसके अंदर, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, क्या अभी तक ऐसा कुछ एक्शन प्लान वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखिए, इनको टैकल करने के लिए इंडिया के अंदर एक इसके एक्शन प्लान ही बनाया गया, उसका नाम क्या है, हीट एक्शन प्लान्स। तो ये हीट एक्शन प्लान्स जो है इसके अंदर अलग अलग काम किए जाते हैं, और इसके अंदर ही हम देख पाएंगे कि हीट से रिलेटेड सारी की सारी स्कीम, सारी की सारी गाइडलाइंस को बनाया गया है। फिलहाल के लिए इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ज़्यादा बड़े स्तर पर इंडिया में काम नहीं करता है, यानी कि ऐसा नहीं है
कि ये इंडिया की हर जगह पे आप इसको देख पाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में देख पाएंगे, बल्कि अभी केवल ये 23 ही ऐसे स्टेट है जिनके अंदर हीट एक्शन प्लेस को यहाँ पर बनाया जा चुका है। तो ये पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं है, कंट्रोल इसके अंदर अभी पूरा नहीं है, इसका कोई सेंट्रलाइज डाटा बेस नहीं है। अलग अलग स्टेट के अंदर हम इसको अलग अलग ही डाटा को देख पाएंगे। सेंट्रलाइज का क्या मतलब है कि 23 स्टेट से जो भी आंकड़े सामने आते हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो सेंट्रलाइज इसमें नहीं है, जो कि इसकी एक खुद में बड़ी कमी भी है। फिलहाल ये काम कैसे करता है, तो HAP जो होते हैं वो इंडिया के अंदर एक जनरल पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये रीजन को बताते हैं कि इनके अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी होगी, तो हीट प्रोफाइल बनाते हैं, फिर इंफॉर्मेशन देते हैं कि पास्ट में कितनी हीट वेव्स यहाँ पर आई हैं, ईयरली का, साल भर का इसमें ट्रेंड क्या होने वाला है, टेम्परेचर क्या होगा, लैंड सरफेस टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, वल्नरेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कितनी सीवियरिटी यहाँ पर होगी और क्या क्या इमीडिएट एक्शंस रिस्पॉन्स लिए जा सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। प्लान के अंदर कुछ रिकमेंडेशन भी होते हैं, सुझाव भी होता है मिटिगेट करने के लिए जो हीट वेव्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसमें पहले भी सुझाव होंगे कि मान लीजिए अभी हीट वेव आई नहीं है, जैसे अभी हमें पता है कि अप्रैल हुआ है लेकिन अभी तक हीट वेव शुरू नहीं हुई है, तो अब पहले ऐसा क्या क्या किया जा सकता है, फिर जब हीट वेव चल रही है उस समय पर क्या किया जाना चाहिए अथॉरिटीज़ के द्वारा भी और जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा भी, और एट द एंड जब हीट वेव्स ख़त्म हो चुकी हैं तब यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा क्या क्या काम करने चाहिए। जैसे कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, पहले होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दूसरा हम देखते हैं लेबर डिपार्टमेंट को, और थर्ड इसमें आती है पुलिस की। ये सब एक साथ मिलकर जब काम करें तो ही ये जो हीट वेव्स है इनको मिटिगेट किया जा सकता है। अब मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का नुकसान जो हो चुका है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन अब उसको सुधारा कैसे जाए, तो वो यहाँ पर किया जा सकता है। क्या जो HAP की रिकमेंडेड है अभी क्या क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं। हीट एक्शन प्लान जो है वो टिपिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स को यहाँ पर रिकमेंड करते हैं, सुझाव देते हैं, जैसे कि वो पहले भविष्यवाणी करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे, जो नागरिक हैं पब्लिक है उनको यहाँ पर अर्ली समय से पहले वार्निंग दी जाएंगी, चेतावनियाँ दी जाएंगी, लोगों को एजुकेट किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, कैंपेन्स चलाए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि हीट शेल्टर्स बनाए जाएंगे कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके जो हीट वेव्स है उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए हीट शेल्टर्स बना दिए गए हैं, कूलिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं कि आप वहाँ पर जाइए, आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, डिहाइड्रेशन आपको कम होगी और आप वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। और ये कुछ लॉन्ग टर्म के भी हम इसमें सॉल्यूशन देख पाते हैं, जैसे कि सप्लाईज क्या क्या हो, लोगों को जो हेल्थ केयर है उनको एडिक्वेट नंबर के अंदर ट्रेन किया जा सके, अगर कोई वर्कर है तो उसको पता होना चाहिए कि पेशेंट जो आ रहे हैं उनमें से हीट रिलेटेड इलनेस कितने पेशेंट्स को अभी हो चुकी है। लॉन्ग टर्म के अंदर ही अडोप्टिंग अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज करनी होती है, जिसके अंदर ट्री प्लांटिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हीट रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए, अर्बन हीट आइलैंड जो है उसको कम किया जा सकता है जब आप ऐसी बिल्डिंग बनाए जिसके अंदर हीट जो है वो क्या हो सकती है उसको झेला जाए, तो ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाए, कूलिंग रूफ्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि आपकी छत के ऊपर, क्योंकि लगातार यहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है, तो उसको क्या करो कि उसके ऊपर मटेरियल कुछ ब्लैक कलर का यहाँ पर पेंट आता है वैसे मटेरियल का इस्तेमाल करो, और भी यहाँ पर कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है उनका इस्तेमाल करें, सो दैट जो बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हैं उनको क्या हो हीट वेव्स से ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, किसी की जान ना जाए। जबकि हम देखते हैं यूरोप में भी पिछले साल बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी, इंडिया में भी लगभग 17 लोगों की डेथ पिछले साल हुई, और अब हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा बुरे तरीके से आने वाली है, तो आपकी बार हम पूरा का पूरा सुझाव और पूरा का पूरा नियंत्रण यहाँ पर कर पाए। ये कुछ शॉर्ट टर्म्स को भी यहाँ पर दिखाती है, जैसे कि हम देख पाते हैं अगेन कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं सोलर ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड उनका इस्तेमाल किया जाता है, और लोगों को अवेयरनेस के लिए बताया जाता है कि उनको क्या क्या करना होगा। अवेयरनेस के लिए बताएंगे तो आप क्या करेंगे, अवेयरनेस की जब भी बातें यहाँ पर होंगी तो उनको बताया जाएगा कि डिहाइड्रेट ना हो, मैसेजेस भेजे जाएंगे, अलर्ट किया जाएगा, न्यूज़पेपर में बातें बताई जाएंगे। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म यहाँ पर एग्जांपल्स, अब ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है आंसर राइटिंग के अंदर की मिटिगेशन या फिर कैसे आप इनमें सुधार ला सकते हो, तो आंसर के अंदर इन सारी चीज़ों को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर आप डिवाइड करके ऐसे ही लिख सकते हो।
फिर हम देखते हैं कि भी इनमें समस्याएं क्या है, क्या इस सभी जो हीट एक्शन प्लान्स हैं वो बिल्कुल सही हैं? नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। प्रॉब्लम्स जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेदर की डाइवर्सिटी, यानी कि वेदर जो है, तापमान जो है और जो मौसम है वो लगातार दिन रात में भी यहाँ पर बदल जाता है, जिसके वजह से करेक्ट यहाँ पर फोरकास्ट करनी मुश्किल हो जाती है। करेक्ट जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव होकर हमें क्या करने चाहिए थे, एक्शन लेने चाहिए थे, वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं लेने। लोकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो नेशन के अंदर हम देख पाएंगे कि जो हीट वेव्स है वो एक तरीके से सभी जगह पर नहीं आती हैं। हर स्टेट में अलग लेवल है, हर डिस्ट्रिक्ट में किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, और इवन सिटीज़ में भी फ़र्क देखा जा सकता है। कहीं पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है लेकिन हीट वेव्स ज़्यादा नहीं होती, कहीं पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट दिखाई देता है, रूफिंग के हिसाब से पानी की यहाँ पर कितनी कमी है, कितनी वो है, ग्रीन बॉडीज़ कितनी, इन सारी चीज़ों से हम ऐसे शहरों में जहाँ पर शायद हीट वेव्स ना भी होते लेकिन अर्बन हीट आइलैंड वहाँ पर बन जाता है। कहीं भी हम देखते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से भी ये ज़्यादा हो रहा है, और लोकल जो एक्सपीरियंसेस है वो हमें इसमें समझ में आता है। तो स्कोप जो है हीट वेव्स का, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, और कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, इन हीट वेव्स का जो एक्शन प्लान्स है उसके अंदर डेमोग्राफी, रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और लोगों की स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, उनको टेलर करके लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, जिनसे जो आउटकम होगा वो भी ज़्यादा ठीक निकलेगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जो वनरेबल पॉपुलेशन है, देखिए जैसे कि जहाँ पर भी हीट एक्शन प्लान लागू हो रहे हैं वहाँ पर किसी न किसी लोगों को तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसी वजह से वहाँ पर ये लगाया जा रहा है। तो ज़्यादातर ये जो होते हैं वनरेबल कम्युनिटीज़, उसमें बच्चे और बूढ़े लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या होता है ना कि ये जब वैसे ही एज ग्रुप में इसमें है कि ये ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से या तो इनकी डेथ हो जाती है या फिर इनको डेमोग्रेटिक फैक्टर्स के अंदर सबसे कमज़ोर जो हम देख लेते हैं, सबसे वनरेबल जो पॉपुलेशन का एक पार्ट देख लेते हैं, तो इनके ऊपर वो सारी चीज़ें असर ज़्यादा करती हैं। इवन इंडिया के अंदर 90% जो इकोनॉमी है वो भी इनफॉर्मल है। आप अगर अपने घर से भी बाहर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कोई किसी वेंडर है, कोई एक जो ठेला होता है उसके ऊपर अपनी सब्जियां बेच रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई हाउस हेल्प कर रही है, कोई सफाई करने के कर्मचारी हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको पहले तो हीट वेव्स के बारे में अकनॉलेज करवाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा इनके लिए टारगेटिंग स्ट्रेटजीज बनाना ज़रूरी है, और तीसरा इनके सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए, तब यहाँ पर इनको बताना है। लास्ट में क्या किया जा सकता है, ये पूरा का पूरा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का आंसर हो रहा है, तो लास्ट में हम देखेंगे कि एक रिसोर्स एलोकेशन को भी यहाँ पर इंक्लूड जरूर करना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन में क्या हो, देखिए जब हीट एक्शन प्लान्स को यहाँ पर लगाया जाता है तो प्रायोरिटीज़ जो है वो लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग उस एरिया से, उस जगह से ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो पाएंगे, उनकी क्षमताओं को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर डेडिकेटेड बजट देना पड़ेगा, सबसे पहले तो ह्यूमन हीट जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर, और दूसरा हम देख पाएंगे कि डायलॉग होते रहने चाहिए, बात होती रहनी चाहिए स्टेट के साथ में, सिविल सोसाइटी, वर्कर यूनियर्स, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एक साथ आके एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म तैयार करें, को प्लान बनाए, ताकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो भी हीट वेव्स के समय में अपने घरों के अंदर रह सके और उनकी जो इनकम है, जो नुकसान है, वो भी उनको ज़्यादा ना हो। तो ये थे हमारे सारा का सारा आर्टिकल, और ये थी हमारी सारी इसके ऊपर जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है हाउ कैन स्मॉल स्केल फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम टी ऑन फार्म्स। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है यहाँ पर एग्रो कल्चर की। तो एग्रोकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है, एग्रीकल्चर हम देख पाते हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है, पौधे बोए जाते हैं, वो एक तरीके का यहाँ पर टाइप होता है, इसी के अंदर आता है एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर भी है उसमें है, और साथ में फॉरेस्ट्री यानी कि बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी उसी के साथ में लगा दिया गया है। इस फोटो में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टर्मरिक यानी कि हल्दी बोई गई है, और ऊपर ये जो पेड़ है ये बोया गया है टीक का। तो इसमें दोनों को ही एक ही खेत में लगाया जाता है, थोड़े थोड़े जगह में, और दोनों का फ़ायदा इससे उठाया जाता है। तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और ये कैसे एक नया आइडिया है जो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन फिर से ला सकता है, चलिए समझते हैं।
इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो हिस्टोरिकली एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड लैंड यूज प्रैक्टिस है। इसमें हम देख पाते हैं अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती हैं, फसलें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लाइफ स्टॉक इसमें आते हैं, यानी कि एनिमल्स को रखा जाता है, गाय, भैंस, बैल, ये सब इसका एक पार्ट होते हैं। लेकिन इसी में एक नई टेक्निक आई है जिसको जाना जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री के नाम से, जो फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है उसको क्या कर सकती है, इनक्रीज कर सकती है। फार्मर जो यहाँ पर पैसे कमाते हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं इससे। और इसमें जब एनवायरमेंट हम बात करते हैं तो एनवायरमेंट के धीरे धीरे यहाँ पर इसके साथ में काम करने की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी लगभग दशकों के बाद में जाकर अब आई है। जब हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आता है 90s के दौर में, तो हम देख पाते हैं कि उसके बाद में अब पहली बार एग्रोफॉरेस्ट्री को कुछ लोगों ने देखा, समझा और इस पर काम करना शुरू किया। अभी क्या हुआ था कि कुछ एरियाज़ के अंदर में गाजा साइक्लोन आया था, और उससे हम देखते हैं कि तमिलनाडु में जो वो साइक्लोन आता है उसकी वजह से काफ़ी सारे कोकोनट के ट्री यहाँ पर गिर गए थे। उन कोकोनट के ट्री के गिरने की वजह से वहाँ की जो सोयल थी, क्योंकि साइक्लोन आया है, साइक्लोन के साथ में वाटर भी आया था सी की तरफ से, और उस वाटर के साथ में हमें पता है सी का जो वाटर होता है समुद्रों का वो होता है सैलाइन, यानी कि नमक उसमें ज़्यादा होता है। तो सलाइन वहाँ की सोयल हो चुकी थी। अब फार्मर्स को पता नहीं था कि वो उसके ऊपर क्या बोए क्या ना बोए, तो उन्होंने एक खेती की, एक ही प्लांट पे, एक ही खेत पे उन्होंने जैक फ्रूट, यहाँ पर जो कि वेजिटेबल होती है, उसकी खेती की, और साथ में यहाँ पर मैंगो के ट्री लगाए। तो ये इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी वो कमा रहे। अब 6 सालों से उसमें यहाँ पर काम हो रहा था, तो ये एक चेंज लाने की बात कर रहा है कि देखिए कैसे यहाँ पर जो काम किया जा सकता है वो इस तरीके से भी एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी से भी किया जा सकता है। एग्रोफॉरेस्ट्री के ऊपर नेशनल लेवल पर एक नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी आती है जो कि लाई गई थी 2014 के अंदर, और इसमें इन्वेस्ट करने की बात की है कि अगले 40 साल तक यहाँ पर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पैसे लगाए जाएंगे ताकि इसके आउटकम दिखे। 10 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं अभी भी, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो एग्रोफॉरेस्ट्री है ये ज़्यादातर या तो मीडियम फार्मर्स या फिर जो जिनके पास लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो बिग फार्म जो ओनर्स हैं उन्हीं के पास ही है। तो मीडियम कौन होने वाले हैं, मीडियम यहाँ पर होने वाले हैं जिनके पास में जो लैंड का साइज़ है वो हो सकता है 10 से 15 यहाँ पर लैंड्स हो, एकड़ में ज़मीन हो, और लार्ज वो होंगे जिनके पास यहाँ पर हम देख पाएंगे 100 तक में चली जाती है। जो नॉर्मल लोग हैं जो कि जिनके पास छोटे खेत हैं 2 से 3 एकड़ ही उनके पास ज़मीन है, तो उन तक ये अभी तक नहीं पहुँच पाई है, ये एक समस्या है। इसके पीछे एक और प्रॉब्लम है जैसे कि वोटर की प्रॉब्लम। तो 5 सालों तक हम देख पाते हैं कि एक इनिशिएटिव चलाया गया था जिसको जाना गया ट्री आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट इंडिया के नाम से, तो TOFI। अब ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जो आपको याद रखनी है बार बार मेंस में रखने लिखने के लिए, फिर प्रीलिम्स में भी अगर पूछा जा सकता है तो उसमें याद रखने के लिए भी। तो ट्री आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट इंडिया जो इनिशिएटिव था उसमें ऐसे अटेम्प्ट किए गए कि ट्रीज़ को यहाँ पर बाहर भी लगाया जाए, खेतों में भी लगाया जाए, और ये जो किया गया था ये यहाँ पर जॉइंट इनिशिएटिव चलाया गया था US की एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसमें इंडिया की 7 ऐसी इंडियन स्टेट थी जहाँ पर ऐसा प्रॉमिसिंग एक्सपेंशन दिखाई दिया, अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि वहाँ पर ट्रीज़ को ज़्यादा लगाया जा सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर ये 7 स्टेट जो थी इनमें हम देख पाते हैं आंध्र प्रदेश को, असम भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, हरियाणा हम इसमें देख पाएंगे, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड UP। तो ये ऐसे 7 स्टेट हैं जिनके अंदर ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट जो इनिशिएटिव है वो चलाया गया है। इसमें हमें समझ में आता है कि पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम होती है किसी भी छोटे लैंडलॉर्ड को वो होती है पानी की अवेलेबिलिटी को। इसी वजह से सॉल्यूशंस ये बनाए जा रहे हैं कि आप ऐसे ट्रीज़ को, ऐसी फसलों को यहाँ पर लगाएं जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती ही नहीं है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो वाटर कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट यहाँ पर हो, लो रेनफॉल जो रीजन हैं यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कि यहाँ ये नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी में एक प्रॉब्लम है पानी की, वाटर की, और इसी के यहाँ पर जो
हम देख पाते हैं सॉल्यूशन है वो यही है कि जैसे मैंगो जो प्लांटेशन है उसको इतनी ज़्यादा यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं होती है जब हम उसको कंपेयर करते हैं किसी अदर के साथ में। जैसे कि हम यहाँ पर जलतोल की बात कर रहे हैं, तो जलतोल जो है ऐसे कुएं वगैरह भी खोदे गए अलग अलग जगहों के ऊपर में इस समस्या से जूझने के लिए। अब हम आगे चल पाते हैं कि कैसे इसके ऊपर और क्या क्या काम हो सकते हैं। हम देख पाते हैं कि इकोसिस्टम जो क्रेडिट है वो भी किए जा रहे हैं यहाँ पर फार्मर्स में, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि काम कीजिए, हम लोग आप लोग क्या कीजिए, ग्रीन यहाँ पर बॉन्ड्स निकाल दीजिए या फिर टूरिस्ट को यहाँ पर आने दीजिए। तो ये क्या है, इकोसिस्टम क्रेडिट भी हम इसको बोल देते हैं। यहाँ पर लोगों के सामने प्रोडक्ट निकालेगी, बॉन्ड्स निकालेगी गवर्नमेंट, उन पैसे को यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे जो फायदा होगा वो डायरेक्टली होगा किसानों को। तो फिलहाल के लिए एग्रोफोरेस्ट्री जो है वो कंजर्वेशनों के लिए, एग्रो इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक हेल्दी इकोसिस्टम को दिखाती है जिसमें लोगों की लाइवलीहुड, जीवन याय का जो है वो भी बढ़ सकती है। और क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्मॉल होल्डर्स नहीं हैं तो उन तक भी इसको पहुँचाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट प्लस जो यहाँ पर स्टेट एजेंसीज है वो साथ में आकर काम करें, और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा मेहनत से इसमें काम करना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो इस पर लगे रहें तो इसके आउटकम ज़्यादा बेहतर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यहाँ पर अगेन GS पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट में हम इसको देख पाएंगे। हो सकता है प्रीलिम्स में इस सवाल को पूछ लिया जाए, ऐसे सवाल प्रीलिम्स के अंदर बिल्कुल पूछे जाते हैं। और ये बात कर रहा है एक ऐसे स्पीशी की, एक ऐसा मेंढक का स्पीशी है जो ब्राज़ील के अंदर पाया गया, और वो जब भी उसको कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है, मान लीजिए उसको या तो ऐसा लगता है कि कोई ख़तरा है, डेंजर है, तो वो क्या करता है, एक ऐसा साउंड निकालता है, ऐसा चिल्लाता है जो ह्यूमंस के लिए सुनाई देना मुश्किल है, क्योंकि ये जो वॉइस निकालता है वो निकालता है अल्ट्रासोनिक वॉइस। अब अल्ट्रासोनिक वॉइस जो होती है वो ह्यूमंस के ईयर जो है, हमारे कान जो है, वो उनको सुनने में सक्षम नहीं है। जब इसकी जो रेंज होती है चिल्लाने की, जब हम देख पाते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 25 तक की होती है, तो उसको ह्यूमंस क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट के अंदर होने से जब ये 20 से 44 KHz तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद में ह्यूमन के ईयर्स के लिए इसको सुन पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि फ्रॉग्स का जो साइंटिफिक नेम है वही यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको बोला जाता है हेडाहुडुस बिनोटुस के नाम से। तो हेडाहुडुस बिनोटुस अगर ऐसा कोई टर्म आपको दिखाई देगी प्रीलिम्स में तो आपको इसको लिख देना है। मेंस के लिए इस टर्म का भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये जो न्यूज़ थी इसमें भी कोई खास सी यहाँ पर इम्पोर्टेंस मेंस के लिए दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हम देख पाते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस से, और इंडियन एक्सप्रेस से ही हमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है ए ट्रस्टेड मीडिएटर। देखिए यहाँ पर जो ऑथर है वो बात कर रहे हैं सबसे पहले कि कैसे यूक्रेन और जो रशिया है उनकी नेगोशिएशन करवाने के लिए स्विट्ज़रलैंड आ रहा है बीच में। तो हमें यह पहले ही पता है स्विट्ज़रलैंड की तरफ से क्या हुआ है, इंडिया को भी बुलावा भेजा गया था कि इंडिया भी आए और जो उसकी दोस्ती है रशिया के साथ में उसको दिखाते हुए एक बेहतर फैसला लेने में। और ये जो लड़ाई इतने सालों से चल रही है, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं फिलहाल रशिया और यूक्रेन के वॉर को, उसके अंदर शांति दिलवाने में स्विट्ज़रलैंड की मदद करें। फिलहाल आर्टिकल जो लिखा गया है वो लिखा गया है चित्र सुब्रमण्यम के द्वारा, और ये बहुत ज़्यादा यकीन कर रही है, कह रही है कि देखिए स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हम हिस्ट्री को देख पाते हैं जब बात आती है शांति करवाने के लिए। तो वो एक न्यूट्रल कंट्री है पहली बात तो, कि वो काफ़ी न्यूट्रल रहती है, निष्पक्ष रहती है। इसी वजह से जो भी यहाँ पर दो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, दो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, उनको इस बात का भरोसा होता है कि जो फैसला आएगा वो ठीक आएगा। फिलहाल ये जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है जून 15-16 को। इसके अंदर इंडिया के तहत और 100 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको इनविटेशन भेजा गया है, और यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड का मानना है कि हो सकता है कि पहली मीटिंग के अंदर कोई भी रिजल्ट ना निकल कर आए, क्योंकि रशिया ने भी इसको अटेंड करने से मना कर दिया है। अभी तक उनके द्वारा ऐसे कुछ नहीं आया कि हम लोग आने वाले हैं। इंडिया ने भी अभी इसका जवाब नहीं दिया है, हालाँकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये ज़रूर बोला गया था कि जो मदद की जाएगी हम जरूर करेंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा अभी तक कोई फॉर्मल जो यहाँ पर जवाब है या फॉर्मल जो लेटर है वो निकाला नहीं गया है।
आर्टिकल के अंदर हम देखते हैं स्विट्जरलैंड के कुछ पुराने इतिहास को, जिसमें हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड यहाँ पर यूएस के लिए भी मीडिएटर बना हुआ है पिछले 45 सालों में, और ये बना हुआ है ईरान के अंदर। तो ईरान की जब भी कोई बात करवानी होती है तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड के ऊपर डायरेक्टली भरोसा किया जाता है, क्योंकि 1979 का जो होस्टेज क्राइसिस आया था, बंदी जब बना दिया गया था, उसी वजह से मिडल ईस्ट के अंदर यूएस को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। इवन हम देखते हैं कि स्विस जो है वो एक ऐसी डिप्लोमेसी है उनकी, जो ऐसा यहाँ पर राजतंत्र हम उसको बोल सकते हैं, या फिर बात करेंगे कि उनकी जो पूरी की पूरी टेरिटरी है और उनकी जो पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक सिस्टम है उसके अंदर वो लोग कभी भी किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई ऐसा स्टैंड नहीं लेते, ना बताते हैं टेररिस्ट, ना ही ये कहते हैं कि हमें कुछ करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ये न्यूट्रल एक कंट्री है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया। अब हमास क्या है? हमास है यहाँ पर इसराइल और गाजा के बीच के अंदर जो युद्ध हो रहा है, उस गाजा के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन से युद्ध कर रहा है वो कर रहा है इसराइल हमास से। तो हमास को इन्होंने बोला है कि ये प्योरली एक, हम देख पाएंगे कि कैसे एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको पैलेस्टाइन से बिल्कुल भी जोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इनको पैलेस्टाइन या फिलिस्तानी जो है उनके साथ में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पैलेस्टाइन होते तो वेस्ट बैंक के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं या वो यहाँ पर क्या करते, वो ऑलरेडी गाजा का साथ देते, लेकिन वो तो इसका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे कुछ इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई जो काफ़ी चौंकाने वाली थी। अब जिसको भी लग रहा होगा कि ये गाजा और इसराइल का भी यहाँ पर समझौता करवा सकते थे, तो अब इसमें समझौता करवाने की जो उम्मीद थी सामने वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो डेमोक्रेसी होती है वो भी हम देखते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर में से एक है और काफ़ी बेहतरी से आज तक काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों को पूरा पूरा अपना अधिकार होता है कि उन, वो जो नियुक्त कर रहे हैं लोगों को, चाहे वो लोकल लेवल पे किसी को चुनाव कर रहे हों, किसी को बैठा रहे हों, या फिर फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बैठा रहे हों, तो उनके पास ये पूरा अधिकार होता है कि दोनों तरफ में वो ज़्यादा अच्छे से ये काम करें। और बताऊँ तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर 100% लिटरेसी का यहाँ पर रेट हो चुका है। तो लिटरेसी रेट 100% होने का क्या मतलब है कि 100% जो लोग हैं वो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। खैर आगे समझते हैं कि क्या ये पीस जो है उसके अंदर शांति करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद अच्छी लग रही है इसके इतिहास को समझते हुए। हमें भी समझ में आया कि क्या क्या ऐसा है स्विट्ज़रलैंड के बारे में जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम लिखें तो यहाँ पर बता सकते हैं GS Paper 2 के अंदर मेंस के। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हाउ ए बीम ऑफ सनलाइट वॉज डायरेक्टेड टू द फोरहेड ऑफ लॉर्ड रामा। कल ही हमने देखा कि राम नवमी का दिन था और राम नवमी के दिन के अंदर यहाँ पर 12 बजे ठीक दोपहर के 3 मिनट के लिए जो राम का यहाँ पर आइडल लगा हुआ है श्री राम जी का, उसके ऊपर यहाँ पर सूर्य तिलक किया गया, तो उनके फोरहेड के ऊपर डायरेक्टली जो सूर्य की रेज है वो पहुँचाई गई। लेकिन ये जो आइडल है ये काफ़ी नीचे है, गर्भ गृह के अंदर है, तो उस गर्भ गृह को क्या बोलते हैं, सेंक्टम सेंक्टोरम। सेंक्टम सेंक्टोरम के अंदर ये है और फिर भी यहाँ तक ये जो सूर्य तिलक है वो कैसे करवाया गया उसी को समझने के लिए पूरा का पूरा हम देखते हैं आर्टिकल लिखा गया है। 3 मिनट लंबी ये सूर्य तिलक की सेरेमनी हो रही थी अयोध्या के अंदर और इसमें इसको डिज़ाइन करने में मदद की यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा और साथ ही में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने भी इसकी मदद की थी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इसको प्रिडिक्ट कैसे किया है। देखिए रामनवमी जो होती है वो हर साल में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन होगी, ये एक्चुअली में डेट्स जो है इनकी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि रामनवमी जो है वो बर्थ डेट मानी जाती है लॉर्ड रामा की, हर साल उसको मनाया जाता है और ये बेस्ड है सोलर कैलेंडर के ऊपर कि हमारा सन जो है वो किस तरीके से रेवोल्यूशन करके और कहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जब हमारा सन एक रेवोल्यूशन लगाता है, एक साल के अंदर में घूमता है अपने खुद के अराउंड में, तो उसी को हम इसको देखते हैं। हिंदू कैलेंडर में लूनर कैलेंडर भी होता है, लूनर यानी कि मून के हिसाब से जब हम उसको चलाते हैं कि मून कितने समय के अंदर यहाँ पर अर्थ का एक रिवोल्यूशन करता है, 29 डेज में, 30 डेज में, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पूर्णिमा मनाते हैं, फिर अमावस्या बनाई जाती है। और वैसे सोलर ईयर जो होता है उसके अंदर रफली 365 दिन होते हैं और जो लूनर ईयर
हम निकालते हैं यानी कि चांद से चलने वाला, उसमें हम 354 दिनों को ही यहाँ पर देख पाते हैं। तो लूनर ईयर को ना देखते हुए सोलर ईयर से यहाँ पर जो रामनवमी है उसकी डेट हर साल निकाली जाती है। अब इसको बनाया कैसे गया था, चलिए उस स्ट्रक्चर को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है पूरा का पूरा आपका जो मंदिर का यहाँ पर हम देख पाएंगे स्ट्रक्चर है। इसके ग्रह ग्रह के अंदर यहाँ पर आइडल था, उसको वहाँ तक पहुँचाने में सबसे पहले क्या किया गया कि इस तरफ में पूर्व की दिशा में हम देख पाएंगे संझा निकलता है, उसके सामने एक मिरर लगाया गया। जब मिरर से हमें पता है कि लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जिस जगह पर गिरती है उसी से वो बाहर वापस निकलती भी है, तो टकराना आप उसको देख सकते हैं। जब मिरर में इसको लगाया गया तो ये टकरा के गई एक पाइप पर, और उस पाइप से नीचे लाइट जब जाती है तो दूसरा मिरर लगा होता है, उस मिरर से वो फिर से टकराती है और पाइप में आती है, तीसरे मिरर से यहां पर वो टकराती है और फिर एक पीतल की पाइप से होते हुए डायरेक्ट जाती है राम लल्ला के यहां पर जो माथा है उसके ऊपर, और इसी को जाना जाता है सूर्य तिलक के नाम से कि उनको डायरेक्ट हर साल अब से क्या किया जाएगा, 12 बजे राम नवमी जो होती है उसकी शुभ अवसर पे उनका सूर्य तिलक किया जाएगा। तो 3 इंच की ये छोटी सी हम देख पाएंगे कि क्या है, एक पाइप वहाँ पर लगाई गई थी और उस पाइप से डायरेक्टली ये जो सूर्य तिलक है वो उनके माथे पर लग रहा था। आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है दुबई के अंदर आई बाढ़ के बारे में। दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेन हुई है, दुबई के अंदर फिलहाल बाढ़ आ चुकी है, लोगों को आप देख पाएंगे कि उनके घुटनों तक का यहाँ पर हम देखेंगे पानी चढ़ गया है कुछ कुछ जगहों के ऊपर। लेकिन दुबई जैसा शहर जो कि काफ़ी एरिड होता है, सूखा होता है, उसमें बाढ़ आने का कारण क्या हुआ ये हमें समझना है। देखिए जो WAM की यहाँ पर स्टेट रन दुबई के अंदर ही उसको चलाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ होता है IMD, वैसे ही उनकी होती है WAM न्यूज़ की एजेंसीज टाइप में, और वो बताती हैं कि ये हिस्टोरिक वेदर इवेंट है, ऐसा वेदर इवेंट पहले कभी नहीं आया था, और इससे कम जो आया था वो आया था 1949 के अंदर, उसके बाद ये आया था 1971 के अंदर। तो ये बताया इनके द्वारा जा रहा है, UAE जो है वो एक्चुअली में एस्टैब्लिश ही 1971 में होता है। तो यूनाइटेड अमीरात की हम बात कर रहे हैं, और यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर ही हम बात कर रहे हैं दुबई की, जो कि वहाँ की कैपिटल भी है। तो उसके अंदर ये जब शुरुआत होती है, जब इसका जन्म होता है देश में, उससे पहले ऐसा इवेंट आता है और दोबारा ऐसा इवेंट अब देखने को मिला है। तो खैर इसका कारण क्या है, 2-3 इसके कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो आसपास की समुंदर है उनसे हवा के अंदर, क्योंकि गर्मी है तो इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ, बर्फ़ जो थी वो ज़्यादा ऊपर गई, सॉरी बर्फ़ नहीं भाप, जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ भाप जो थी वो ज़्यादा गई समुंदर से उठी, और भाप बन के जब वो ऊपर जाती है तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, और मॉइस्चर जब ज़्यादा होगा तो उससे रिजल्ट या आउटकम क्या आएंगे कि बारिश कंडेंसेशन हो जाएगी धूल से मिलकर, धूल की तो वहाँ वैसे ही कमी नहीं है, और उससे बारिश ज़्यादा आएगी। दूसरा इसमें कुछ एक्सपर्ट का ये भी बोलना है कि ये सीड क्लाउडिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये करने से पहले यहाँ पर क्या किया जा रहा था कुछ समय से, 6 से 7 दिनों तक लगातार बादलों के अंदर सीड क्लाउडिंग की जा रही थी, तो उससे भी बारिश यहाँ पर हो सकती है। और खैर अभी के लिए क्लाइमेट चेंज जो है उसको सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा माना जा रहा है। 0.4% से जो टेम्परेचर है वो दुबई का डिग्री सेल्सियस यहाँ पर 2003 से लेकर 2022 तक बढ़ चुका है, और इसके आउटकम और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1 डिग्री जब यहाँ पर सेल्सियस का टेम्परेचर जो है तापमान बढ़ता है तो उससे लगभग 7% मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाता है, रेन का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर यहीं पे आज हमारी न्यूज़पेपर की वीडियो ख़त्म होती है, अभी तक जो भी यहाँ बना हुआ है थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।